फ्रेंड्स, आज रात 12 बजे के बाद अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जबरदस्त सेल शुरू हो जाएगी। फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर के लिए ये सेल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें आपको कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत कम रेट पर यानी कि लूट प्राइस पर मिल रहे हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे वो प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल पाए। और थर्ड, आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इस सेल में आपको अपनी एक्स्ट्रा सेविंग करनी है। इस वीडियो को मैं आपके साथ 4 स्टेप में शेयर करूंगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आप सिर्फ लूट प्रोडक्ट लूटना चाहते हैं सेल में अमेज़न और फ्लिपकार्ट के, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेप नंबर 1 दिखा हुआ मिलेगा, जिसमें कि मिस्टर ग्रोथ के ऑफिशियल टेलीग्राम लूट चैनल का लिंक है, ताकि जो भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर लूट डील्स आ रही हैं वो सारी मिस्टर ग्रोथ टीम वहां पर शेयर करती रहती है, ताकि आप उन प्रोडक्ट को लूट पाएं। स्टेप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि सेल में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट किन प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम अमेज़न की बात करें तो अमेज़न की जो वाओ डील्स आई हुई है ये प्रोडक्ट काफी कम रेट पर मिल रहे हैं, जैसे कि आपने बेड के लिए मैटर्स खरीदने हो, रेफ्रिजरेटर, एसी, ईयरफोन्स, टॉयज, तो ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। सेकंड है फ्लैश सेल में आपको मिलेंगे कल मोबाइल, तो लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें अलग अलग टाइम दी हुई है। जैसे कि एग्जांपल के रेडमी 9 प्राइम आपको मोबाइल लेना है तो सुबह 10 बजे इसकी फ्लैश सेल आएगी 6 अगस्त को, यानी कि कौन सी सेल किस अगस्त को आएगी मोबाइल की, और इसी के साथ ही उसकी टाइमिंग यहाँ पर आपको दी हुई है। तो ये 6 अगस्त को आनी है सारी सेल, और साथ में ही उनकी टाइमिंग दी हुई है। यहाँ पर अगर आपको जैसे कोई फर्नीचर का प्रोडक्ट लेना है, और इसी के साथ ही आपको यानी कि बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी। ये भी पेंट्री प्रोडक्ट्स की कैटेगरी आ गई, इन पर अच्छा डिस्काउंट आया होगा। और सबसे जो बेस्ट यानी कि ऑफर आया हुआ है मेरे हिसाब से, अगर आपने अमेज़न का कोई भी ऑफिशियल प्रोडक्ट लेना है तो उस पर आपको सबसे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। मान लीजिए आप अमेज़न की फायर टीवी स्टिक लेना चाहते हैं, तो देखिए रेगुलर इसका प्राइस लगभग 4000 रहता है, और इस सेल में आपको मिल जाएगी 2399 रुपये की, और ऊपर से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे लेना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे आप किंडल खरीदना चाहते हैं, कोई भी यानी कि अमेज़न के जो ऑफिशियल सारे प्रोडक्ट आते हैं इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। मैं फायर टीवी स्टिक और इनमें से कई प्रोडक्ट और भी यूज़ करता हूँ खुद, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो इन पर काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इनको लेना चाहते हैं, जैसे कि किंडल का प्राइस जो रेगुलर है 13000 रहता है, लेकिन इस सेल में 10000 प्लस आप कार्ड से एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट सेल की, तो फ्लिपकार्ट सेल पेज का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज जो इन्होंने बनाई हुई है फ्लिपकार्ट ने, इन सभी कैटेगरीज का भी आपको अलग से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब बारी है स्टेप नंबर 3 की। इसमें मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करता हूँ। आई होप आप भी करते होंगे, लेकिन जो मुझे कुछ बातें पता है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, कोशिश करें उसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार या फिर उससे ज्यादा हो। लोगों के सारे रिव्यू चेक करें कि उस प्रोडक्ट के बारे में जिन लोगों ने भी उसको खरीदा है उनका क्या कहना है, क्योंकि सिर्फ सस्ते के चक्कर में अपने पैसे इस तरह से वेस्ट मत करें। अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 2-3 स्टार है तो उसको थोड़ा अवॉइड करें, उसको मत परचेज करें। अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदें और फिर भी उनके रेटिंग एंड रिव्यूज जरूर चेक करें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लग रहा है कि वो नॉन ब्रांडेड है, यानी कि उस ब्रांड को आप जानते नहीं है, उसके आप रिव्यू रेटिंग चेक कर रहे हैं बहुत ही अच्छी है, लोगों ने लंबे लंबे उस पर रिव्यूज लिखे हुए हैं, तो क्या होता है कि कई सेलर क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के साथ एक कार्ड डालकर भेज देते हैं। मैंने उसका एक वीडियो भी बना चुका हूं ऑलरेडी पहले। उस कार्ड में क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि अगर आप 5-स्टार रेटिंग के साथ अच्छा रिव्यू देते हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो हम आपको ईयरफोन गिफ्ट कर देंगे, या फिर आपको 100-200 रुपया पेटीएम कैश गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। तो आपने बड़ा केयरफुली ये भी चेक करना है कि अगर नॉन ब्रांडेड आइटम है और उसके सारे रिव्यूज ही अच्छे जा रहे हैं, उसके फिर भी आप बारीकी से उसके सारे रिव्यूज चेक कीजिएगा, ताकि कोई भी सेलर आपके साथ चीट ना कर पाए, जो मेरा अभी तक का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब बारी है स्टेप नंबर 4 की। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आपको इसमें एक्स्ट्रा सेविंग करनी है। तो एक्स्ट्रा सेविंग के लिए मैं आपको सारी टर्म एंड कंडीशन बता देता हूं। देखिए, अगर आप अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि किसी तरह से आपको किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड से, अगर आपके पास खुद के पास हो तो ज्यादा बेस्ट है, HDFC बैंक का क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ये दोनों में से अगर आप जो भी हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं तो किसी तरह से अगर आपको मिल पाए, सिटी बैंक का क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसकी कंडीशन क्या है, टर्म एंड कंडीशन भी हम रीड कर लेते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि ऑल कैटेगरीज पर आपको 3000 प्लस की मिनिमम ट्रांजेक्शन करना होगा और मैक्सिमम आपको जो डिस्काउंट है वो 1500 रुपये मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने 30000 का एसी खरीदा तो 10% के हिसाब से आपको 3000 बचना चाहिए, लेकिन वहां पर आपको मैक्सिमम 1500 रुपये ही डिस्काउंट उसका मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सेल के ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिस्टर ग्रोथ के ऑफिशियल टेलीग्राम लूट चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लूट डील में आपके साथ शेयर करूंगा, अगर वो प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा तो वो आपको बहुत कम रेट पर मिल जाएगा। तो जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। और इसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सभी डील्स का जो भी ऑफिशियल पेज है उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं।